जफर पकड़ा जाएगा तुम। हमने तमाम बस स्टेशंस पे, रेलवे स्टेशंस पे और एयरपोर्ट्स पे अपने इन्फॉर्मर्स खड़े कर दिए। वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता। उसकी तस्वीरें भी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। वो नहीं बचेगा। लोग मरे हुए को भी नहीं माफ करते। पहले से भी ज्यादा कसूरवार हो गई। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। जो जितना नोच सकता ना उतना नोच रहा है। कोई उसके किरदार की चीथड़े उड़ा रहा है। कोई कह रहा है कि वो दिमागी मरीजा थी। जानते हो मुझे मिलते हुए लोग क्या कह रहे हैं? लिखे को कौन डाल सकता है, सब्र करो। कहने से सब्र कभी आया है? ये लिखा था मेरी बहन की किस्मत में। किसने लिखा था फजर के नसीब में? करे दरिंदा कसूर लिखे का है, लिखा है। गंदी दुनिया ना सर, कसूर मेरी बहन का क्यों है? सारा इल्जाम मेरी बहन पे। कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा कि उस दरिंदे का क्या हुआ? ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा कि वो पकड़ा गया कि नहीं, क्या बना उसका? किसी को इस बात से क्यों नहीं मसला कि उसको सजा मिलेगी कि नहीं? फजर की ऐद क्यों निकाल रहे हैं लोग? इसलिए क्योंकि जफर एक मर्द है और मर्द औरत से ताकत में ज्यादा होता है। इसलिए उसका मर्द होना फजर की जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कुछ भी होना फजर की जिंदगी से जरूरी नहीं है। लोगों के लिए है, लोगों के लिए फजर एक बात का टॉपिक बन गई है, मेरे लिए वो टॉपिक नहीं है। ज्यादा अच्छे नहीं रहेगा, सुन रही हो तुम? ज्यादा अरसे नहीं रहेगा। हेलो। हाँ बोलो खुदा। बस मिल गया, ठीक है, तुम लोग लेके पहुंचो वहां। नहीं, मैं खुद पहुंच रहा हूं। तुमने फजर को 2 दिन दिए थे ना, तुम मुझे भी 2 दिन दो। और अगर मैं 2 दिन में जफर को नहीं पकड़ पाया तो उम्र भर तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। Yeah.